नूडल्स खाना सभी को पसंद होता है, खासकर बच्चों की ये फेवरेट होती है। तो आज बनाते हैं बटर गार्लिक नूडल्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 लीटर पानी बॉयल होने के लिए चढ़ाया है। पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉयल करेंगे। पानी अच्छे से बॉयल हो गया है तो इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच तेल। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट पतले वाले नूडल्स लिए हैं, आपको जो भी नूडल्स पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसे इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि ये पतले वाले नूडल्स हैं उन्हें पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट में ये 80% कुक हो जाएगा। नूडल्स को कुक करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमेशा थोड़ा सा अंडर कुक करना है, इसे 100% कुक नहीं करना है, नहीं तो आपके नूडल्स बिल्कुल स्टिकी बनेंगे। नूडल्स 85% तक कुक हो चुका है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। इसे 1-2 बार ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। नूडल्स बिल्कुल परफेक्टली कुक हुआ है, स्टिकी भी नहीं है। पर अगर आपको लगे कि आपका नूडल्स ओवर कुक हो गया है या थोड़ा स्टिकी है तो आप इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। पर ये नूडल्स परफेक्टली कुक हुआ है तो इसमें तेल डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक वॉक में 1 बड़ी चम्मच बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो जाए फिर इसमें 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ गार्लिक डाल देंगे, 2 हरी मिर्च, 1/4 कप प्याज डालेंगे, 1/4 कप कैप्सिकम। मैंने यहाँ पे कलरफुल वाले लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप गाजर ऐड करेंगे, अगर आपके पास कैबेज हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक करेंगे। आप इसमें सब्जी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 2 छोटे चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 छोटे चम्मच चिली सॉस, 2 छोटे चम्मच टमेटो केचप, 1 छोटे चम्मच विनेगर। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नूडल्स ऐड करेंगे और 1/2 छोटे चम्मच नमक। हाई फ्लेम पे इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/4 कप के करीब स्प्रिंग अनियन डालेंगे और हमारी ये बटर गार्लिक नूडल्स बिल्कुल रेडी है। अगर आपको नूडल्स खाना पसंद है तो आप ये नूडल्स ज़रूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।